हाय गाइस दिस इज़ अभी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू बिल्ट रिज्यूमे ठीक है तो अपना रिज्यूमे बिल्ट करेंगे हम और कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रिज्यूमे बनाना है क्योंकि जितना आप फैंसी और कॉम्प्लीकेटेड बनाएंगे ना तो वो आपके लिए काम नहीं करता है ठीक है और जितना सिंपल रहेगा अनक्रिप्स क्रिस्पी रहेगा वही आपके लिए बेनिफिट होता है तो चलिए सीखते हैं और कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा तो वीडियो जो है पूरी देखना तभी आपको समझ में आएगा बीच में अगर छोड़ दोगे तो भाई आप ही का नुकसान है मेरा कोई नुकसान नहीं है चलिए ठीक है शुरू करते हैं तो अब यहाँ पे मैं सेपरेट करता हुआ चलूँगा पहले हम हेडिंग्स पे कवर करेंगे पहले हमारे हेडिंग्स क्या क्या रहनी चाहिए और किस तरीके से हमें रिज्यूमे बनाना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे हम बहुत सारा ट्रेडिशन है कि आप जो सर्टिफिकेशन करते हैं तो आप यहाँ पे हैडर्स में उसको रख सकते हैं अगर आपने कोई सी सी एन ने किया हुआ है कोई भी एम सी एस एनी सर्टिफिकेट जो भी आपने कंप्लीट किए हैं ग्लोबल सर्टिफिकेट तो आप यहाँ पे उसका ये ब्रांड नेम रख सकते हैं अपने रिज्यूमे के ऊपर तो उसका एक अलग ही इम्प्रेशन होता है अगर दो चार हैं तो यहाँ पे रखिए वरना बहुत सारे हैं तो आप नीचे एक हैडिंग बना के उसको ऐड कर सकते हैं फिर यहाँ पे उसके बाद सिंपल रखना इसमें आपको बिल्कुल कुछ भी मैं नहीं कहूँगा कि फैंसी बनाओ ये करो वो करो नहीं ये रिज्यूमे सिंपल बनाओ और आपका सेलेक्ट भी होगा और सारे काम होंगे ठीक है ना तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दीजिए अपनी ईमेल आईडी दीजिए ठीक है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि मैं पेन यूज कर सकूँ तो पेन हम यूज करते हुए अब यहाँ पे आपको समरी जो है ऐड करानी है ठीक है समरी आप आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो एक सेकेंड ठीक है हमारा पेन नहीं चल रहा था बट अब चल गया है तो यहाँ पे आ गया हमारी सर्टिफिकेशन यहाँ पे हमारा नेम मोबाइल नंबर ई मेल आई ठीक है जी उसके बाद अब यहाँ पे समरी दीजिए क्योंकि ये एक बहुत जब भी कोई आपका रिज्यूमे गो थ्रू करेगा या फिर आपके रिज्यूमे को पढ़े पढ़ता है फर्स्ट टाइम के लिए तो उसको एक छोटी सी समरी मिलनी चाहिए आपको कि भाई आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हो ओवरऑल आपका कितना एक्सपीरियंस है सिक्स प्लस है सेवन प्लस है Two plus है, फ्रेशर है तो fresher लिखे कि सीकिंग एक्सपीरियंस ठीक है ना यहाँ पे seeking आ सकता है या फिर और भी अच्छा वर्ड आप ढूंढ लीजिए तो वहाँ पे आपको ये यूज करना है फिर आप यहाँ पे विलिंग टू प्रोवाइड टेक्निकल assistance इन कॉपरेट नेटवर्क environment ठीक है जी उसके बाद फिर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस या नॉलेज आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं कि इंस्टॉलिंग कन्फिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रबल शूटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर टू पॉइंट्स आते हैं एक आता है कि ऑन ऑन प्रमाइसिस ठीक है फिर सिस्को डिवाइसेस आप लिख सकते हो अगर आप सिस्को में एक्सपर्ट हैं तो सिस्को डिवाइसेस हो गए अगर यहाँ पे आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर आप लिख सकते हो तो उसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है ठीक है जी फिर उसके बाद आता है आपका हैव हैव वी एक्सट्रीमली गुड एक्सपीरियंस इन मल्टीपल नेटवर्क टेक्नोलॉजी देखिए यहाँ पे आपने अपने बारे में बताया कि ये मेरी स्पेशलिटी है लेकिन यहाँ पे आपने आप अपने बारे में बताया कि यू आर कैपेबल टू वर्क ऑन नेटवर्क मल्टीपल नेटवर्क टेक्नोलॉजीज ठीक है ना इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है फिर यहाँ पे आता है एक्सपीरियंस विद इंडस्ट्री नेटवर्क मैनेजमेंट ये भी एक अलग ट्रम आ जाती है नेटवर्क मैनेजमेंट इसका मतलब ये है कि आपको डेटा सेंटर मेंटेन करने आते हैं ठीक है डेटा सेंटर कैसे आप मेंटेन करोगे ये कुछ लेवल की समझ होती है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बना रहे हैं तो यहाँ पे आप चार से पांच लाइन ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से ये यहाँ तक का हमारा कवर होता है ठीक है जी फिर हम चलते हैं एजुकेशन के लिए तो एजुकेशन यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो प्लस टेन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फिफ्टीन तो ये स्टैंडर्ड वो फॉलो करती हैं तो आपका एजुकेशन बहुत अच्छे से देना और टॉप पे रहेगा आपका ग्रेजुएशन फिर आपकी प्लस टू और फिर आपकी टेंथ ठीक है आपको इस फॉर्मेट में रखना है जो भी आपकी रिसेंट डिग्री है या फिर हाईएस्ट डिग्री है वो टॉप पे रहेगी और रेस्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर में रहेगी उल्ट जो रिटर्न ऑर्डर होता है तो उस ऑर्डर में आपकी रहेगी ठीक है जी फिर उसके बाद हम ये इसको क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पे देखिए हम कोर्स स्ट्रेंथ कोर स्ट्रेंथ में आपने समरी बता दी थोड़ी सी अपनी एजुकेशन बता दी अब यहाँ पर आप, आप, आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो कि जी, हाँ जी मेरे ये स्ट्रेंथ्स हैं ठीक है तो जैसे यहाँ पे क्लाउड आप लिख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आप मत लिखे फिर आप सीख कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग नेटवर्क यहाँ पे क्लाउड की जगह पे नेटवर्क इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ गई फिर क्लाउड नेटवर्क मतलब उस हिसाब से आपको लिखना है डबल टी ये तो आपका कॉमन रहेगा गुड कम्युनिकेशन ये भी आपका कॉमन रहेगा क्लाइंट मैनेजमेंट ये जरूर लिखेगा टीम प्लेयर जरूर लिखेगा लीडरशिप स्किल्स अब यहाँ पे टीम प्लेयर आप सोच रहे हो और लीडरशिप स्किल्स में क्या डिफरेंस है तो टीम प्लेयर क्या होता है कि आपको कोई काम मिलता है उसमें आपके फोर मेंबर्स आपके हैं जिनको साथ आपको काम करना है तो वहाँ पे क्या होता है कि आप उन सारे बंदों को सपोर्ट करते हैं काम करने के लिए और आप हिचकिचाते नहीं हैं किसी को अप्रोच करने के लिए किसी को कुछ पूछने के लिए किसी की चीज़ को क्वेश्चन करने के लिए आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो दैट कॉल्ड ए टीम प्लेयर लीडरशिप स्किल क्या है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया सपोज दैट आपने सिस्को स्विच इंस्टॉल करने हैं अपनी सारी ब्रांचेस के अंदर L3 स्विच आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो और वहाँ पे आपको विलेंस इम्प्लीमेंट करने हैं जो कि आपकी सारे हेड ऑफिस सॉरी हेड ऑफिस में और आपकी ब्रांच ऑफिस में डिप्लॉय होंगे तो आपको बना दिया गया फोकल फॉर द सेव तो यहाँ पे आपकी लीडरशिप स्किल आते हैं कि आपको फोकल बना दिया गया है इस काम के लिए आप अपने चार बंदों की टीम है आपकी पाँच की टीम है सबको यूज कीजिए और अपना काम कराइए तो यहाँ पर आपके आती है लीडरशिप स्किल्स तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखने बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छे सही रहते हैं हमारे रिज्यूमे के ओवरव्यू में ठीक है और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं जहाँ पे हमने बात करी कोर स्ट्रेंथ की बात होगी फिर हम अब बात करते हैं हमारे सर्टिफिकेशन की ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने कोई सर्टिफिकेट किया है सर्टिफिकेशन किया है या नहीं किया है वो आप पे डिपेंड करता है तो आप अगर आपने सर्टिफिकेशन किए हैं तो अब मैं तो कहूँगा कि आप जरूर यहीं पे लिखिए कि आप बता रहे हैं कि भाई मैंने ये सर्टिफिकेट किया है ये मेरा प्लानिंग चल रही है तो उस तरीके से आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना है फिर यहाँ पे आपको ऐड करना अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में भाई दो तरीके है। हैं टू वेज हैं फर्स्ट वेव है फर्स्ट वे है कि आप सिर्फ करंट अपडेट करेंगे ठीक है आप करंट एम्प्लॉयर के अंडर में क्या काम कर रहे हो आप सिर्फ वो अपडेट करेंगे ना कि आप बाहर का कुछ भी अपडेट करेंगे मतलब अगर आपने एक से दो में काम किया हुआ है और अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ आप लिख सकते हैं विलिंग टू वर्क राइट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की जगह पे आप ट्रेनिंग्स लिख सकते हैं आप प्रैक्टिकल्स लिख सकते हैं कि हाउ मेनी प्रैक्टिकल्स यू हैव कम्पलीटेड कौन कौन से आपने टोपोलॉजी बना के देखा है क्या क्या आपने ट्रेनिंग किया है किस किस के बारे में आपने पढ़ा है तो वो थोड़ा ट्रेनिंग का विस्तार में यहाँ पे बता सकते हैं और वहाँ पे आप अपने नॉलेज या फिर स्किल्स के अंदर यहाँ पे आ गया आपका कोर स्ट्रेंथ लेकिन यहाँ पे आप स्किल्स एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की जगह पे यहाँ पे आप स्किल्स आप ऐड कर सकते हो ठीक है तो स्किल्स के अंदर आप अपनी सारी स्किल्स आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है तो यहाँ पे जो मैं टू मेथड्स बता रहा हूँ कि फर्स्ट है करंट और सेकंड जो है हमारा ऑल एक्सपीरियंस मतलब ऑल एम्प्लॉयर तो उसमें क्या होता है कि अपना आपका कल में बहुत बड़ा हो जाएगा चार पांच पेज चले जाएंगे तीन पेज हो जाएंगे तो वो मैं अच्छा नहीं मानता हूँ मैं इसी को प्रेफरेंस देता हूँ कि आप सिर्फ फर्स्ट को अपडेट कीजिए बाकी को उसका भी तरीका बताता हूँ कि जैसे ये है आपने कंपनी नाम लिखा आपने डेजिग्नेशन लिखी बस उसके बाद आपने क्या लिखा जो डिशन था तो सपोज दैट आपका ड्यूरेशन था अगस्त ट्वेंटी टू मार्च ट्वेंटी वन बस इस तरीके से आपको लिखना है कि यहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे अगस्त से मार्च तक आपने लिख देना है और नीचे उसकी एंट्री हो जाएगी तो यहाँ पे प्रोफेशनल हो गया स्किल्स होगी तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा बना के लिखना है सिस्टम लो रोटेशन मॉनिटरिंग मैनेजिंग वीएम एम हो सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट एट एनी लेवल आप यहाँ पे कर सकते हैं लेवल आपका जो भी मिला हुआ है फिर आता है रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज नेटवर्क फॉर मोर एफिशिएंसी एंड रिलेबल नेटवर्क अवेलेबिलिटी तो ये इस तरीके से चीज़ चीज़ें आपने फिर यहाँ पे देखो जो हैंड्स ऑन जहाँ पे आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं ये नोट कर लेना कि जो आप जहाँ फुल्ली कॉन्फिडेंट है तो वहाँ पर आपको ऐड करना है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ठीक है ये देखिए यहाँ पर जैसे ये मैंने सारे ऐड किए हुए हैं कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन वी एफ वी पी एन कन्फिगेशन विद सेम एंड डिफरेंट फायर वोल फायर वोल इंस्टॉलेसन विद बैकअप एंड फील्ड फायर वोल फील्ड विल्स आपका आप यहाँ पर रिकवरी डाल सकते हैं तो ये आप चेंज कर सकते हैं फिर यहाँ पे देखिए मैंने फायर वोल के बारे में बताया हुआ है कि साइब्राउ फायर वोल फोर्टी नैट फायर वोल डेल सोनिक वॉल सोफर्स फायर वोल ठीक है और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर बेसिक राउटिंग स्विचिंग और टबल शूटिंग कन्फिग्रेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल रेप ई आई जी आर पी आई जी आर पी बीजीपी ठीक है फिर यहाँ पे नेटवर्क मॉनिटर टूल लाइक पी आर टी जी टूल माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क मॉनिटर टूल एंड स्पाइस नेटवर्क मॉनिटर टूल आपको जो भी आते हैं आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं ठीक है जी फिर उसके बाद हम जाते हैं थोड़ा सा नीचे तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें जो हैं ऐड कर सकते हैं आप देखिए रेगुलर मेंटेन एनालिसिस सिस्टम परफॉर्मेंस परफर इंक्लूडिंग बट लिमिटेड टू मॉनिटर सीपीयू डिस्क स्पेस मेमोरी यूटिलाइजेशन तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे ठीक है तो इसको जैसे आप कॉपी करते हैं और बस आप यहाँ पर पे इसको पेस्ट कर दीजिए बस तो यहाँ पे जो मैंने आपको डेट फॉर्मेट बताया वही सिंपल अक्टूबर अगस्त मैंने बोला था तो अगस्त ट्वेंटी, ट्वेंटी ट्वेंटी टू आपने किया मार्च ट्वेंटी वन बस इस तरीके से मतलब ये कैपिटल वैपिटल कर लेना तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं कोई इशू नहीं है लेकिन जो सेकंड तरीका है वहाँ पर भी फिर आप यहाँ पे कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे हो कि मैं यहाँ पे ये काम करता था ठीक है फिर उसके बाद आता है यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ये इंफॉर्मेशन आपको जरूरी देनी होती है तो आप देंगे तो अच्छा रहेगा और यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन आप ये दे सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो मैं इसको थोड़ा सा स्लो में थोड़ा रोक रोक के कर देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकते हैं और विल ट्राई कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ तो वो मुझे बेटर लग रहा है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में और आप फॉर्मेटिंग थोड़ा इस हिसाब से इसको कर लीजिएगा ठीक है जी तो आप वीडियो पॉज करके इसको आप लिख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको ऐड करा दूंगा एंड uh, इस तरीके से आपको थोड़ा रिज्यूमे अपना बनाना है उससे क्या होता है ये बड़ा सिंपल रिज्यूमे है और अगर आपका कोई भी रिज्यूमे पड़ता है तो वो डेफिनेटली इसको सेलेक्ट करेगा एंड दे विल हैप्पी टू गेट दे विल हैप्पी टू ट्राई यू ऑन बोर्ड ठीक है ना तो वो आपको हेल्प करेंगे आपकी और इससे बड़ी हेल्प मिलती है और जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है सॉरी जो नौकरी प्रोफाइल वग़ैरह इंजन हैं जॉब सर्च इंजनस हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिलती है क्योंकि बेसिक टेस्ट टेक्स्ट रहता है तो वहाँ पे जो सर्च इंजन है उनको अपने डेटाबेस में कीवर्ड्स उठाने में थोड़ी हेल्प मिलती है तो आपको इस तरीके से अपना रिज्यूमे बिल्ट करना चाहिए मेरा यही सजेशन है और अगर आपको बेटर तरीका आता है तो आप मेरे को बता सकते हो कम्युनिटी टैब में आप मेरे आ, मैंने टेलीग्राम का भी लिंक बना दिया है और आप डिस्कोड पे भी हूँ मैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी हूँ जहाँ आपका मन करे आप मेरे को बताइए कि अगर आप इसके थोड़ा और बेटर तरीके में हम रिजू में बना सकते हैं ये मैंने बेसिक आपको बताया कि आपका इस तरीके से होना चाहिए जिसमें आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी अपनी जॉब सर्च करने में सो उम्मीद करता हूँ गाइज़ की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और कमेंट करके जरूर जाना एनी सजेशन और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए और मैं आपको आंसर दूंगा ठीक है सो so, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय बाय